गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स क्लास सेवन चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। बिफोर नो इंटीजर्स वी हैव टू नो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मीन्स जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 जो हम काउंट करते हैं वो सभी हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकेंड, होल नंबर्स। All natural numbers together with zero are called whole numbers. Means counting number में zero और add कर दें, अगर हम counting number हमारे 1 से start होते हैं तो उसमें अगर हम zero और add कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 etc. जहाँ तक जाते हैं वो सभी हमारे whole numbers होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे integers। All natural numbers zero and negative of counting numbers are called integers. Means जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं, होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा रहते हैं। इसके अलावा जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके नेगेटिव्स भी अगर हम ले लें तो वो सारे हमारे इंटीजर्स नंबर हो जाते हैं। अब इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर हमारे इंटीजर्स पॉजिटिव में हैं यानी प्लस में हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हैं, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये नंबर माइनस में है, -1, -2, -3, -11, -23, etc. जो भी है, तो वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके अलावा ज़ीरो भी एक इंटीजर ही होता है जो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। डिस्कस करते हैं इसे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब अगर दो इंटीजर का हम सम निकालें तो वो भी एक इंटीजर नंबर होता है। इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 में अगर हम -9 कर रहे हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं 15 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -9 एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पे 6 आंसर आ रहा है, जो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके अलावा और भी नंबर आप चाहें तो लेके देख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। अगर हमारे पास कोई ए और बी इंटीजर हैं तो हम देखेंगे कि अगर हम ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें तो ये इक्वल ही आएगा। ये हमारी होती है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, -4 को 9 में प्लस किया है, -4 को 9 में ऐड किया है, तब भी हमारा आंसर 5 आता है। और अगर हम 9 को -4 में ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 5। तो ये हमारा क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है यहाँ पर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ए बी सी आर एनी थ्री इंटीजर्स। अगर हमारे पास कोई 3 इंटीजर हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो हम इनको किसी भी तरह से ऐड करें। यहाँ पे देखिए, पहले हम ए और बी को प्लस करते हैं, उसके बाद उसमें सी ऐड कर देते हैं, या फिर बी और सी को पहले प्लस करके हम इसमें ए ऐड कर देते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या होता है, इक्वली होता है। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए इसका एग्जांपल भी सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने 3 नंबर ले लिए हैं, फर्स्ट वन इज़ -6, सेकेंड -8 और थर्ड 5। यहाँ पे हमने देखा है कि -6 और -8 को हमने पहले प्लस किया है, उसके बाद उसमें हमने 5 को ऐड किया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है -9। और अगर इसको हम ऐसे करें कि -8 और प्लस को पहले ऐड कर दें उसके बाद -6 को ऐड करें, तब भी हमारा आंसर आता है -9। यानी कि यहाँ पे इंटीजर के केस में एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई होता है। अगली प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। मतलब अगर हमारे पास कोई इंटीजर ए है और उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं या 0 में कोई इंटीजर ए ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो ए ही रहेगा। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 0 में अगर हमने 9 ऐड करा है या 9 में 0 ऐड किया है तो रिज़ल्ट हमारा 9 ही है। इसके अलावा कोई भी इंटीजर लेके देख सकते हैं हम, उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट वही रहेगा, जो इंटीजर हम ऐड कर रहे हैं वही रहेगा। ओके,
नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मीन्स, एडिटिव इनवर्स पहले समझ लेते हैं, एडिटिव इनवर्स होता क्या है. एक्चुअली एडिटिव इनवर्स होता है ऐसा नंबर जिसको अगर हम किसी इंटीजर में ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट है वो ज़ीरो आए. तो हमें पता है कि अगर कोई भी इंटीजर है उसका अगर हम अपोजिट ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो ही रहता है. मान लीजिए माइनस नाइन है, यहाँ पे अगर हम प्लस नाइन कर दें तो रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो रहेगा. यही कहता है ये लॉ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. यहाँ पे देखिए, ए को अगर माइनस ए के साथ हमने प्लस किया है या माइनस ए को प्लस ए के साथ प्लस किया है तो ये ज़ीरो ही आएगा. ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसकी सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़. तो इसकी भी पहली प्रॉपर्टी सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन देखेंगे हम. सेम है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर. अगर हम ए को बी के साथ माइनस करें या बी को ए के साथ माइनस करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा, इंटीजर नंबर ही होगा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है इंटीजर नंबर हमारे प्लस में, माइनस में और ज़ीरो भी इंटीजर नंबर होता है. जैसे हमने यहाँ पे टू में से माइनस फाइव किया तो यहाँ पे रिजल्ट आया माइनस थ्री, जो क्या एक नेगेटिव इंटीजर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. मीन्स अगर हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं अप्लाई होता है. चलिए करके देख लेते हैं एक एग्जांपल में. यहाँ पे हमने दो नंबर ले रखे हैं, पहला है 3, दूसरा है 5. अगर हम 3 माइनस 5 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है माइनस 2. अगर हम 5 माइनस 3 करते हैं तो रिजल्ट आता है सिर्फ 2, यानी कि प्लस 2. तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही क्या हैं, इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता. इसका थर्ड देख लेते हैं. थर्ड है इसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव. अब जैसे हमने पिछले में पढ़ा था वहाँ एसोसिएटिव लॉ जो होता है उसमें तीन हमें इंटीजर्स लेने पड़ते हैं, ए बी सी. तो यहाँ पे देखते हैं, तीन ले रखे हैं हमने, 3, माइनस 4 और माइनस 5. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 में से अगर हम माइनस 4 को माइनस कर दें और उसके बाद उसमें से माइनस 5 करें तो रिज़ल्ट हमारा आता है, देखिए, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 7. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12. और इधर हम देखते हैं पहले हमने क्या किया है, 3 रखा हुआ है, बाद में हमने 4 माइनस 5 को माइनस करके बाद में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. यानी कि इस बार हमने क्या किया है, इसका सीरियल बदल दिया है. इस बार हमने ए में से बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट किया है. पहले हमने क्या किया था, ए माइनस बी में से सी को सब्ट्रैक्ट किया था. तो यहाँ देखते हैं, 3 माइनस 4 प्लस 5. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाते हैं. 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉट इक्वल है. तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होता. इस तरह से ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. अब मैं आपको बताती हूँ आपका होमवर्क. ये आपकी बुक है, यहाँ पे पेज नंबर 4, यहाँ पे आपको फर्स्ट ए एक्सरसाइज दे रखी है. जो भी हमने अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं. तो आप ये सॉल्व कर लें, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊँगी. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you.